हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ बहुत अच्छी। और आज मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ, इन्हें स्कूल भेजकर। मुझे ड्यूटी भी जाना होता है क्योंकि आज फाइलेरिया की जो दवाई है वो बटना शुरू हो चुकी है। आज तीसरा दिन है दवाई बटते हुए, तो दो टीमें काम कर रही हैं हमारी कॉलोनी में। मुझे दूसरे ब्लॉक में जाना होता है और दूसरी टीम हमारे वाले ब्लॉक में काम करती है। तो मैं कनिष्का को रेडी कर दूंगी, उसके बाद इन लोगों को नाश्ता बना के दे दूंगी, फिर जाऊंगी अपनी ड्यूटी पे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के यहाँ अगर कोई आशा वर्कर या एनएम वर्कर आप लोगों के यहाँ पर दवाई देने के लिए आए तो उनसे आप दवाई लेकर खा सकते हैं। और तीन तरीके की दवाई होगी इस बार। वैसे हर साल दो तरीके की दवाई होती है, लेकिन इस बार एक टैबलेट बढ़ा दी गई है, तो आप लोग उसे लेके खा सकते हैं। और वो जो तीसरी दवाई है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फाइलेरिया तो ज़्यादातर लोग सभी जानते हैं, ये गंभीर बीमारी है। अगर ये हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, तो आप लोग ज़रूर इस दवाई को खा लें। क्योंकि कई हम लोग जाते हैं तो कई लोग इसे खाने में आनाकानी करते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तब जाकर ये दवाई खाते हैं। ये जॉब कोई आसान नहीं है, एक रिस्क रहता है हम लोगों के ऊपर कि किसी को कुछ भी देने से पहले उसको समझाना बहुत बड़ी बात होती है कि कोई चीज़ हम भूल तो नहीं रहे हैं, किसी को गलत तो नहीं बता रहे हैं। आटे, ये हरी मेथी है, ये मैंने आटे में डाल दी है, बच्चों को स्कूल में भेजूंगी। ये पराठे बहुत टेस्टी बनते हैं, कम ही डाली क्योंकि सुबह का टाइम है तो मैं जल्दी साफ नहीं कर पाई इस वजह से। ये पराठा देखने में जितना सुंदर लग रहा है उतना ही टेस्टी ये खाने में लगता है और झटपट से बन जाता है, बिल्कुल देर नहीं लगती है इसमें। जैसे हाथ पे गांव हो जाते हैं शरीर में किसी को भी है, वो मच्छर मारा मच्छर होता है, तो वो कभी भी किसी को भी काट सकता है, तो इसको पहले दवाई खिलाई जाती है। मैं अभी घर पे ही हूँ और ये देखिए हमारी टीम आ चुकी है और इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और मुझे अपने दूसरे ब्लॉक में जाना होगा क्योंकि इस कॉलोनी में मात्र दो ही टीमें काम कर रही हैं। वैसे हम लोग तीन हैं लेकिन टीमें सिर्फ दो ही चल रही हैं। तो मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ, तो 10:30 का टाइम हो रहा है, तो मैं अब निकल रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग होती है गेट पर और मैं जा रही हूँ ड्यूटी पर। ये देखिए मैं आ गई हूँ, इस तरीके से नाप लेना होता है और ये मैं दवाई बांट के घर आ गई हूँ। झटपट से बच्चों का टाइम होने वाला है तो मैं पास्ता बना दे रही हूँ उनके लिए, क्योंकि पराठे से बना दिए थे मेथी के, मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई थी, तो मैं पास्ता बना दे रही हूँ, जल्दी से हो जाएगा। रजिस्टर है जिसमें हम जिसको भी दवाई खिलाते हैं उसका नाम नोट करते हैं और उम्र नोट करते हैं, उसके बाद ही हम दवाई देते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से नाम नोट किया हुआ है, जिन लोगों के यहाँ दरवाज़ा बंद मिला उसके यहाँ एल डाल देते हैं। और इस तरीके से आज का काम हो गया। अब ये सब काउंटिंग करके इस तरीके से हमें रिपोर्ट बना के देनी होती है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि मुझे रिपोर्ट बना के देनी है। तब तक के लिए बाय बाय।